हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे क्या ऑल्दो सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर का इनकम में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुआ है, एम्प्लॉयमेंट का करस्पॉन्डिंगली ग्रोथ नहीं हुआ है। नंबर ऑफ पीपल एंगेज्ड अभी भी सबसे ज़्यादा प्राइमरी सेक्टर में है। सबसे ज़्यादा लोग 44% पीपल अभी भी प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं, याद है ये ग्राफ। जीडीपी में तो शेयर स्ट्रेस है, जीडीपी में प्राइमरी सेक्टर, अब इसको भूल जाओ, हम लोग अब इसकी बात कर रहे हैं 2013-14 की बात कर रहे हैं। प्राइमरी सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन ऑल तो 12 या 13% ही है, लेकिन 44% पीपल आर एंगेज्ड इन प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा लोग का एम्प्लॉयमेंट है, मतलब प्राइमरी सेक्टर में ग्रोथ कम हुआ है, डेवलपमेंट कम हुआ है, जाहिर सी बात यही है। तो इसी का कारण हम लोग खोज कर रहे हैं। हमने देखा था कि शिफ्ट आउट ऑफ प्राइमरी सेक्टर इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं हुआ है, इनकम शिफ्ट हो गया है प्राइमरी सेक्टर से दूसरे सेक्टर में, लेकिन एम्प्लॉयमेंट अभी भी प्राइमरी सेक्टर में ही सबसे ज्यादा है। व्हाई? नॉट इनफ जॉब्स वर क्रिएटेड इन द प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में जॉब्स जितने होने चाहिए थे उतने प्रोड्यूस ही नहीं हो पाए। इवन दो इंडस्ट्रियल आउटपुट और प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स वेंट अप, सेकेंडरी सेक्टर की बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल आउटपुट, इंडस्ट्री सेकेंडरी सेक्टर में आती है, इट वेंट अप बाई 9 टाइम्स ड्यूरिंग द पीरियड। 40 साल में आउटपुट 9 गुना बढ़ गया, लेकिन एम्प्लॉयमेंट सिर्फ 3 गुना हुआ। अगर एग्जैक्ट मैच होता तो जितना एम्प्लॉयमेंट, जितना इनकम में डेवलपमेंट हुआ है उतना ही एम्प्लॉयमेंट में भी डेवलपमेंट होता, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। सिर्फ 3 गुना लोग एम्प्लॉयड हुए, लेकिन आउटपुट 9 गुना बढ़ गया है। सेम अप्लाइज टू द टर्शरी सेक्टर ऑल्सो। टर्शरी सेक्टर में क्या हुआ है, एम्प्लॉयमेंट प्रोडक्शन रोज बाई 14 टाइम्स, 14 गुना प्रोडक्शन बढ़ गया है, एंड एम्प्लॉयमेंट रोज बाई 5 टाइम्स ओनली। एम्प्लॉयमेंट धीरे धीरे चल रहा है, इनकम तेजी से भाग रहा है, एम्प्लॉयमेंट बहुत तेजी से भाग रहा है उन सेक्टर्स में। एम्प्लॉयमेंट यहाँ नहीं है, तो जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट है प्राइमरी सेक्टर, वहाँ चले जाते हैं लोग। एज ए रिजल्ट मोर देन हाफ द वर्कर्स इन द कंट्री आर वर्किंग इन द प्राइमरी सेक्टर, मेनली इन एग्रीकल्चर। प्राइमरी सेक्टर और प्राइमरी सेक्टर में खास करके एग्रीकल्चर, क्योंकि बहुत लोग फिशरी, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, इन सब में तो बहुत ज़्यादा लोग एंगेज होते नहीं है। एग्रीकल्चर है जो पूरे देश में होता है, हर जगह होता है। प्राइमरी सेक्टर में बहुत ज़्यादा लोग काम करते हैं, प्राइमरी सेक्टर में भी खास करके एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, प्रोड्यूसिंग ओनली अबाउट 1/6 ऑफ द जीडीपी। जीडीपी का सिर्फ 1/6 लोग, अब देख रहे हो आधे से ज़्यादा लोग जहाँ काम कर रहे हैं, मोर देन हाफ ऑफ द वर्कर्स आर वर्किंग, आधे से ज़्यादा लोग जो काम कर रहे हैं वो लोग सब मिलकर के सिर्फ 1/6 इनकम कमा पा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 1/6। बहुत कम हो जा रहा है ना, कम तो हो ही रहा है। इन कॉन्ट्रास्ट टू दिस, द सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स प्रोड्यूस द रेस्ट ऑफ द प्रोड्यूस, वेयर एज एम्प्लॉय लेस देन हाफ ऑफ द पीपल। प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर को एक साथ यदि कंबाइन कर लिया जाए तो एम्प्लॉयमेंट तो लेस देन हाफ ऑफ द पीपल का है, आधे से कम लोगों का एम्प्लॉयमेंट है, लेकिन इनकम कितना है, 1/6 गया प्राइमरी में, तो 5/6 बच गया ना, 5/6 मतलब 85% से भी ज़्यादा हो गया लगभग। इतना ज़्यादा इनकम सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में जनरेट हो रहा है, ठीक है। Does this mean that workers in agriculture are not producing as much as they could? ऐसी बात है क्या? एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, लेकिन एग्रीकल्चर का आउटपुट कम है। इसका कारण तो यही होगा ना कि वो लोग काम कम कर रहे हैं, या जितना कर सकते हैं उस हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं। इसका कारण यही होगा ना, और कोई कारण भी हो सकता है? नहीं, इसका कारण एक और भी है। देयर आर मोर पीपल इन एग्रीकल्चर देन इज नेसेसरी। जितने लोगों की जरूरत है खेत में, उससे बहुत ज़्यादा लोग आ गए हैं काम करने।
एग्रीकल्चर में जितने लोगों की जरूरत है उससे बहुत ज़्यादा लोग आ गए काम करने। ऐसा कौन करेगा? अगर मेरे को मान लो एक लेबर की ज़रूरत है तो मैं चार लेबर थोड़ी रखूँगा। यदि एक रूम को पेंट करना है मान लो, उसमें एक पेंटर की ज़रूरत है, मैं चार पेंटर तो नहीं रखूँगा। कोई भी नहीं रखेगा, सिर्फ मैं क्यों? तो इसका क्या मतलब है? एग्रीकल्चर देयर आर मोर पीपल इन एग्रीकल्चर देन इज नेसेसरी, इस स्टेटमेंट का क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब है इवन इफ यू मूव अ फ्यू पीपल आउट, प्रोडक्शन विल नॉट बी अफेक्टेड। अगर कुछ लोग कम भी हो जाते हैं खेती करने वाले लोग कुछ लोग अगर कम भी हो जाते हैं तो भी प्रोडक्शन उतना का उतना ही रहेगा। कैसे कैसे पे आते हैं हम लोग? पहले एक वर्ड यहाँ पे नया सीख लेते हैं, दिस वर्कर्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर आर अंडर एम्प्लॉयड। वो लोग जितना काम कर सकते हैं उतना काम है ही नहीं। यदि मान लो एक किसान है, उसके पास एक छोटा सा प्लॉट ऑफ लैंड है, वो उसमें खेती करता है, उससे कुछ इनकम होती है। यदि उसका लैंड डबल हो जाए किसी भी वजह से, अगर उसको डबल मिल जाए लैंड का, तो भी वो अकेले खेती कर लेगा और उसका इनकम डबल हो जाएगा ना, हो जाएगा ना, वो अकेले खेती उससे डबल लैंड पे भी कर सकता है। लेकिन चूंकि उसका लैंड छोटा है तो उतने में ही करता है, पड़ोसी के खेत पे तो खेती करेगा नहीं। तो क्या है वो? अंडर एम्प्लॉयड। जितना काम कर सकता है उतना करने नहीं मिल पा रहा है उसे। समझ में आ रही है बात? तो ये अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है इसको समझते हैं। एक एग्जाम्पल दिया है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा एग्जाम्पल है। टेक द केस ऑफ अ फार्मर लक्ष्मी। लक्ष्मी एक किसान है, ओनिंग अबाउट 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। हेक्टेयर कितना लंबा चौड़ा होता है पता है? खैर, इस एग्जाम्पल को समझने के लिए हमें हेक्टेयर को समझने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ। हेक्टेयर का मतलब होता है 100 मीटर, जैसे तो इंटू 100 मीटर्स। हेक्टेयर मीन्स 100 मीटर्स इंटू 100 मीटर। लिख देता हूँ मैं यहाँ, क्या हुआ पेन, 100 मीटर इंटू 100 मीटर इज इक्वल टू 1 हेक्टेयर। 2 हेक्टेयर्स ऑफ अन इरीगेटेड लैंड, वहां पे सिंचाई का कोई साधन नहीं है। अन इरीगेटेड लैंड, डिपेंडेंट ओनली ऑन रेन एंड ग्रोइंग क्रॉप्स लाइक ज्वार, अरहर इत्यादि। सिंचाई का कोई साधन नहीं है उसके पास। जब बारिश होगी तो खेत में पानी मिलेगा, नहीं होगी तो नहीं मिल सकता है पानी। ऐसे कंडीशंस में ज्वार और अरहर इसी तरह की फसल हो सकती है जिसको पानी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो इसी को ग्रो करेगी वो लक्ष्मी, है ना। जैसे व्हीट, राइस, शुगर केन, इन सबको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, उसके पास पानी का ऑप्शन ही नहीं है। तो जिस फसल में पानी की रिक्वायरमेंट कम है वैसी फसल वो उगाती है। ऑब्वियस है, यही तो उगाना होगा उसको। और इन सब फसल में इनकम भी कम होती है। ज्वार, अरहर, इन इस क्रॉप्स में इनकम कम होती है, ठीक है। और ऊपर से उसका लैंड अनइरिगेटेड है। अनइरिगेटेड है तो ऐसा भी हो सकता है कि समय जब जरूरत थी पानी को, उस समय पानी नहीं मिला, पानी नहीं मिला तो और प्रोडक्शन कम हो गया। हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है ना। तो क्या होता है? ऑल 5 मेंबर्स ऑफ अ फैमिली वर्क ऑन द प्लॉट थ्रू आउट द ईयर। उसके परिवार में 5 लोग हैं कमाने वाले, किसी के पास कोई दूसरा काम नहीं है, इसलिए सभी लोग वहीं खेत में काम करने जाते हैं। और खेत के साथ देख लो कितनी प्रॉब्लम्स है। इरिगेशन का कोई फैसिलिटी नहीं है, जब जरूरत होती है तब पानी मिल जाए ऐसा कोई व्यवस्था है ही नहीं। बारिश होगी तो पानी मिलेगी, नहीं होगी तो नहीं मिलेगी। इस वजह से वो लोग कम इनकम वाले क्रॉप्स उगाते हैं, जिसको कम पानी भी लगता है और कम इनकम भी होता है, जिसका सेलिंग प्राइस भी कम है। ऊपर से पानी की वजह से जितना हो सकता है प्रोडक्शन वो भी नहीं हो पाता है ना। 2 हेक्टेयर में जितना प्रोडक्शन होना चाहिए था, अगर पानी प्रॉपर मिल जाता तो जितना प्रोडक्शन होता उससे कम प्रोडक्शन हो रहा है अभी भी। लेकिन
काम करने वाले, तो पांच के पांच लोग, सभी लोग जाते हैं उसी खेत में काम करने के लिए। क्यों? पांच लोग की जरूरत ही नहीं है वहां पे, तो फिर भी क्यों जा रहे हैं पांचों लोग वहां पे? दे हैव नोवेयर एल्स टू गो फॉर वर्क, और कोई काम है ही नहीं तो कहाँ जाएंगे? कोई दूसरा काम उपलब्ध नहीं है, इसलिए जाते हैं सभी खेत में। यू विल सी दैट एवरीवन इज वर्किंग, नोबडी रिमेन्स आइडल, बट इन एक्चुअल फैक्ट देयर लेबर एफर्ट गेट्स डिवाइडेड। मतलब पांचों खेत में जा रहे हैं, ठीक है, अब पांचों काम भी कर रहे हैं वहां पे, लेकिन उनके एफर्ट का क्या रिजल्ट मिलेगा? कोई काम था ही नहीं वहां पे, उस लैंड पे कोई जरूरत ही नहीं थी इतने लोग की, दो ही तीन लोग की जरूरत थी। तो यही करेगा, चल 1 घंटा तुम काम करो, 1 घंटे मैं रेस्ट करता हूँ, फिर 1 घंटे मैं काम करूंगा, फिर तुम्हें बोलूंगा तुम काम करो, मैं रेस्ट करता हूँ। यही सब होगा, टाइम पास। कहने को तो स्कूल 6 घंटे गए थे, लेकिन पढ़ाई बिल्कुल नहीं हुई। वही चीज़ खेत में भी होती है, और जब खेत में ऐसा होगा तो इनकम कम होगा। ईच वन इज डूइंग सम वर्क बट नोबडी इज फुल्ली एम्प्लॉयड। जितना काम कोई कर सकता था उसे बहुत कम काम कर रहा है। दिस सिचुएशन ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट वेयर पीपल आर अपेरेंटली वर्किंग बट नन ऑफ देम बट ऑल ऑफ देम आर मेड टू वर्क लेस देन देयर पोटेंशियल। मतलब अंडर एम्प्लॉयमेंट है, वो लोग काम कर रहे हैं लेकिन जितना काम कर सकते हैं, मतलब दिन में 2 ही घंटे का काम है, दिन में 8 घंटे में काम कर सकता हूँ लेकिन काम 2 ही घंटे का है, अंडर एम्प्लॉयड है ना, बाकी 8, बाकी 6 घंटे काम करने के लिए है नहीं, तो 2 घंटे का ही काम कर रहे हैं। अब दिस काइंड ऑफ अंडर अनएम्प्लॉयमेंट इज हिडन इन कॉन्ट्रास्ट टू समवन हु डज नॉट हैव ए जॉब एंड इज क्लियरली विजिबल एज अनएम्प्लॉयड। मतलब वो लोग अनएम्प्लॉयड नहीं है, बात समझ में आ रहे हो? अनएम्प्लॉयड नहीं है, हेंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब कहने का ये मतलब है कि यदि पांच के जगह सिर्फ 2 लोग भी होते फैमिली में, तो 2 लोग भी सारा काम कर सकते थे, लेकिन अभी कितने लोग काम कर रहे हैं? पांच, है ना। लक्ष्मी की फैमिली में यदि सिर्फ 2 लोग भी होते तो वो लोग पूरा काम कर सकते थे जितने अभी 5 लोग मिलकर के कर रहे हैं। एक्चुअली एम्प्लॉयमेंट तो 2 ही लोग के लिए है, बाकी 3 लोग फेट में जाके क्या करते हैं? बाकी 3 लोग भी खेत में जाकर के काम कर रहे हैं, इसलिए वो लोग अनएम्प्लॉयड तो नहीं है, वो लोग काम कर रहे हैं इसलिए उनको अनएम्प्लॉयड नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इफेक्टिवली तो अनएम्प्लॉयड ही है, कोई काम नहीं है इसलिए टाइम पास कर रहे हैं। तो इस तरह का जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है उसके लिए एक नया नाम दिया गया है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये दिखता नहीं है, छुपा हुआ है, डिस्गाइज्ड है। इस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट जो है दिखता ही नहीं है, पता नहीं चलता है कि अनएम्प्लॉयड है। मैं रोज कुछ कर रहा हूँ लेकिन मुझे भी नहीं पता है कि अनएम्प्लॉयड हूँ मैं। क्यों? क्योंकि कुछ तो कर रहा हूँ, कुछ तो इनकम हो जा रहा है, ठीक है। इंटरेस्टिंग सिनेरियो हो रहा है ना ये, अनएम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयड है वो, लेकिन उसको भी नहीं पता है अनएम्प्लॉयड है। तो ये अंडर एम्प्लॉयमेंट जो होता है इसी को डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं। मतलब एग्जैक्टली बोलते नहीं है, समझने के लिए ये दिमाग में रख सकते हो, अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट तो क्लियर समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है, यदि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। ये अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होता है, और डिस्गाइज क्या होता है समझ में नहीं आ रहा है, याद रखने के लिए याद रख सकते हो अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब जहाँ 2 लोग की जरूरत थी वहाँ 10 लोग काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? बिकॉज दूसरा कोई जॉब नहीं है। इस तरह के सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये अनएम्प्लॉयमेंट है लेकिन छुपा हुआ है, सामने साफ साफ दिख नहीं रहा है। नाउ सपोजिंग अ लैंडलॉर्ड सुखराम कम्स एंड हायर्स वन और टू मेंबर्स ऑफ द फैमिली टू वर्क ऑन हिज लैंड। हमने बात की 2 लोग का ही काम था, है ना, लक्ष्मी के खेत में 2 ही लोग का काम था लेकिन 5 लोग काम कर रहे। अब कोई लैंडलॉर्ड है सुखराम जिसको जरूरत है लेबर्स की, उसने 2 लोग को काम पे रख लिया है ना, लक्ष्मी के फैमिली के 2 लोग को सुखराम ने जॉब दे दी है, तो क्या होगा? लक्ष्मी फैमिली इज एबल टू सम अर्न सम एक्स्ट्रा इनकम थ्रू वेजेस ना, 2 लोगों को अब कुछ तो सैलरी मिलेगी, इनकम थोड़ी सी तो बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा हो सकता है ना भी बढ़े लेकिन कुछ तो बढ़ जाएगा। यदि कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होती
यदि कोई जॉब देने वाला होता तो लक्ष्मी के फैमिली के लोग जाके वहाँ पे जॉब कर लेते, लेकिन नहीं है तो सारे लोग खेती में काम कर रहे हैं। समझ में आई पूरी कहानी? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? सिंस यू डू नॉट नीड फाइव पीपल टू लुक आफ्टर दैट स्मॉल प्लॉट, टू पीपल मूविंग आउट डस नॉट इफेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ द फार्म। उस 2 हेक्टेयर लैंड से जो भी प्रोडक्शन होना था वो तो हो जाएगा। 2 लोग कम भी हो गए हैं, काम करने वाले लोग कम हो गए हैं, लेकिन प्रोडक्शन उतना का उतना ही रहेगा। ये उसी तरह से जैसे अभी सुखराम के फार्म में चले गए थे 2 लोग, 2 लोग किसी फैक्ट्री में भी तो जा सकते थे काम करने। 2 पीपल मे मूव टू वर्क इन ए फैक्ट्री, किसी शहर में जाकर के भी जॉब कर सकते थे। बगल वाले के खेत में काम करना जरूरी थोड़ी है, शहर में जाके भी काम कर लेते तो भी काम हो जाता। वंस अगेन द अर्निंग्स ऑफ द फैमिली वुड इंक्रीज एंड दे वुड कंटिन्यू टू प्रोड्यूस एज मच फ्रॉम देयर लैंड। लैंड से प्रोडक्शन उतना ही रहेगा, खेत उतना ही है, खेत उतना ही है, लैंड से प्रोडक्शन उतना ही होगा। जैसे जैसे जॉब मिलते चला गया लोगों को, वैसे वैसे इनकम बढ़ती चली गई। समझ में आ रहा है? देयर आर लैक्स ऑफ फार्मर्स लाइक लक्ष्मी इन इंडिया। इंडिया में ऐसे लाखों लोग हैं, लाखों लोग ऐसे हैं जिनको काम की जरूरत है लेकिन काम नहीं मिल रहा है, इसलिए जाकर के वो फैमिली के खेत में काम करते हैं। दिस मीन्स दैट इवन इफ वी रिमूव ए लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम एग्रीकल्चरल सेक्टर, बहुत ज़्यादा लोगों को वो भी एग्रीकल्चर से यदि निकाल देते हैं एंड प्रोवाइड देम विथ प्रॉपर वर्क एल्सवेयर, और कहीं दूसरे और काम में लगा देते हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन विल नॉट सफर। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, किसी एक फार्म की बात करो, किसी एक फैमिली की बात करो, या पूरे के पूरे सेक्टर की बात करो, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये ऑप्शन प्राइमरी सेक्टर में ही होता है, खेत में है, सारे जाके काम करने लग जाओ। द इनकम ऑफ पीपल हु टेक अप अदर वर्क वुड इंक्रीज द टोटल फैमिली इनकम। यदि कुछ लोग को एक्स्ट्रा जॉब मिल जाती है तो फैमिली इनकम बढ़ जाएगा इस तरह से। दिस अंडर एम्प्लॉयमेंट कैन ऑल्सो हैपन इन अदर सेक्टर्स, दूसरी जगह भी ऐसा हो सकता है। ज़्यादा प्राइमरी सेक्टर में होता है, सबसे ज़्यादा ये चीज़ प्राइमरी सेक्टर में ही देखने को मिलती है, लेकिन दूसरे जगह भी मिल सकता है ऐसा। हाँ, कहाँ मिल सकता है? देर आर थाउजेंड्स ऑफ कैजुअल वर्कर्स इन सर्विस सेक्टर इन अर्बन एरियाज हु सर्च फॉर डेली एम्प्लॉयमेंट। डेली वेज पे काम करने आने वाले लोग कौन से होते हैं? ऐसे लोग प्लम्बर, पेंटर, इलेक्ट्रिसिटी फैन रिपेयर करने वाले, कुछ और रिपेयर करने वाले, कारपेंटर, मैनुअल लेबर, अलग अलग तरह के काम करने वाले लोग जो डेली काम खोजने जाते हैं। इन लोग, इसमें भी तो ऐसा हो सकता है ना। इसमें क्या होता है, मेनी ऑफ देम डू नॉट फाइंड वर्क एवरी डे, रोज इनको काम ही नहीं मिल पाता है। काम ही नहीं मिल पाया तो अनएम्प्लॉयड है। वैसे देखने को तो एम्प्लॉयमेंट है, देखने दिखाने के लिए तो एम्प्लॉयमेंट है, लेकिन एक्चुअली तो काम नहीं मिल पा रहा है उनको। सिमिलरली वी सी अदर पीपल इन सर्विस सेक्टर ऑन द स्ट्रीट पुशिंग अ कार्ट और सेलिंग समथिंग वेयर दे मे स्पेंड द होल डे बट अर्न वेरी लिटिल। सब्जी बेचने वाला, फल बेचने वाला, रोड साइड पे मोबाइल का कवर बेचने वाला, इन लोग को इनकम तो बहुत कम होती होगी, लेकिन कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है इसलिए वही काम कर रहे हैं ये लोग। दे आर डूइंग दिस बिकॉज दे डू नॉट हैव बेटर अपॉर्चुनिटीज। ये था डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, इसीलिए मैंने काफ़ी समय दिया इसको समझाने में। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, कोई दिक्कत हो मुझसे पूछोगे, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इनफैक्ट बोल सकते हो कि लगभग गारंटीड रहती है इससे क्वेश्चन आना, इससे डायरेक्टली डेफिनेशन आ जाए या फिर एग्जाम्पल के माध्यम से पूछ लिया जाए कौन सा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। इसके ऊपर क्वेश्चन लगभग आता ही आता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट भी है, एक अलग तरह का कॉन्सेप्ट है ना ये, अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे।
सीधी सीधी बातें पढ़ रहे थे, लेकिन ये डिस्गाइज्ड हो गया है। डिस्गाइज्ड मतलब भेष बदला हुआ, ये अनएम्प्लॉयमेंट है लेकिन उसका भी आउटलुक चेंज हुआ हुआ है। ओके, इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।